सो वेलकम एवरीवन, दिस साइड प्रदीप शर्मा सीनियर मैनेजर। जैसे कि हमने लास्ट सेशन लगाया था एथिक्स का, उस एथिक्स के सेशन में हमने जानना था कि फोरेयर में हमें किन चीजों को फॉलो करना है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और आपने वो राइट डाउन भी किया होगा और एक एक चीज को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, तो फोरेयर में आप वो सारी चीजें अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी गोल सेटिंग के ऊपर कि हमें कैसे गोल सेट करना है, क्योंकि हमने शायद लाइफ में कभी गोल सेट नहीं किया होगा, तो हमें थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए तो हम इजीली अपने गोल को सेट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। सो ये जो सेशन है स्पेशली गोल सेटिंग का सेशन है, इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आपने समझना है अच्छे तरीके से कि फॉरएवर में हम किस लेवल की इनकम अर्न कर सकते हैं और कैसे हम अपने गोल सेट करके अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सो हम समझते हैं, देखो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो होने के लिए एक वाई होती है और एक हाउ होती है। अगर हमारी वाई क्लियर है देन हाउ बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर हमें क्लियर है कि हमें क्यों करना है तो रास्ते हम अपने आप ढूंढ लेते हैं। प्लेटफॉर्म हमें मिल गया, हमें क्लियर है हमें सक्सेसफुल होना है, प्लेटफॉर्म मिल गया, प्लेटफॉर्म में ग्रो कैसे होना है, उसके लिए ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, बहुत सारी चीजें जहां से आप सीख के प्लेटफॉर्म में ग्रो हो सकते हो। पर क्यों होना है, चाहिए क्या इस प्लेटफॉर्म से, क्या क्या प्लेटफॉर्म दे सकता है, हमें क्यों करना है प्लेटफॉर्म, पहले वो चीज क्लियर होनी जरूरी है। सो देखो आज हम सेट करेंगे कि गोल सेट कैसे करने हैं हमें, आज इस ट्रेनिंग के अंदर हम सीखेंगे। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, देखो हम स्कूल में 12 से 15 साल लगाते हैं, हमारे पास वाई होती है, इसलिए हम 15 साल इन्वेस्ट कर देते हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर। हमें पता है कि स्कूल कॉलेज में इन्वेस्ट करने के बाद हमें एक अच्छे लेवल पे इनकम सोर्स अर्न कर पाएंगे जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन डिग्री होगी, राइट। खैर आज के टाइम ऐसा नहीं हो पाता, बट हमारी एक थिंकिंग मेंटेलिटी होती है, इसलिए हम 12 से 15 साल इस लाइन के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। सो फॉरएवर में हम अपने टाइम को इन्वेस्ट क्यों करें, फॉरएवर हमें क्या देगा एंड कैसे हमें उसको अचीव करना है। आज सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा गोल सेट। तो आज आपने एक चार्ट लेना है, आज आपने एक चार्ट लेना है। इस ट्रेनिंग को बिना डायरी पेन के अटेंड मत करें, वरना कोई फायदा नहीं, आप अपने आने वाले 20-30 मिनट वेस्ट करोगे। सो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि हमारा टाइम कितना ज्यादा कीमती है, तो उसको एक एक चीज को आपने पॉइंट को राइट डाउन करना है, एक एक पॉइंट को राइट डाउन करना आपने इस मीटिंग के। एंड मीटिंग अगर आपको समझना है तो बार बार इस मीटिंग को अटेंड कीजिएगा जब तक आपको मीटिंग प्रॉपर अंडरस्टैंड ना हो। तो सेटिंग गोल्स इन फॉरएवर लिविंग, हमें फॉरएवर के अंदर गोल्स कैसे सेट करना है। देखो दो तीन तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो लोग होते हैं जो कभी गोल बनाते ही वो भेड़ चाल का हिस्सा होते हैं, बस वो चली जा रहे हैं 9 to 6 उनकी लाइफ चली जा रही है, वो कोई गोल नहीं बनाते, बस भाग रहे हैं पर पता ही नहीं जाना का। आपने वो एक गेम खेली होगी, वो फोन में आया करती थी टेम्पल रन, आपने देखा होगा टेम्पल रन का इंसान वो भागता रहता है, उसको पता ही नहीं जाना का, वो भाग ही जाएगा, वो कहीं नहीं पहुंचता। तो कुछ लोग जिंदगी में कभी गोल ही नहीं बनाते, कभी सेट ही नहीं करते कि 6 महीने बाद मैं ये चीज को अचीव कर लूंगा, 1 साल बाद मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूँ, 5 साल बाद मैं यहां तक पहुंचना, बस क्या एक गोल है, पढ़ लिख के नौकरी लगी पूरी जिंदगी, फिर नौकरी में ही निकाल दी, 2 टाइम की रोटी खा गई, पर ये सेट आगे गोल ही नहीं सेट किए कि आगे भी हम बढ़ सकते हैं। अगर आज हम 30,000 कमा रहे हैं ना, तो 30 लाख भी कमा सकते हैं अगर हम गोल सेट करें। तो आज ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन तरह के लोग होते हैं, वो होते जो गोल ही सेट नहीं करते, वो जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होते। 97% लोग जो इस दुनिया में नाकामयाब है वो दो ही तरह के लोग हैं, एक तो जो गोल कभी सेट नहीं करते, या फिर दूसरे वो लोग हैं जो गोल माइंड के अंदर सेट करते हैं और कभी भी रिटर्न नहीं करते, वो लोग भी कामयाब नहीं होते। क्योंकि अगर हम माइंड के अंदर गोल सेट करते हैं तो माइंड एक ऐसी चीज है जो बड़ी जल्दी भूल जाती है चीजें। तो आप तीसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं जो अपने गोल्स को राइट डाउन करते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने गोल्स को राइट डाउन किया, आपको भी अपने गोल को राइट डाउन करना है। गोल दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल राइट डाउन करना है, एक लॉन्ग टर्म गोल राइट डाउन करना है, और वही मैं आपको आगे बताऊंगा, इजी वे में बताऊंगा कैसे राइट डाउन करना है, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है कि आज हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में जी रहे हैं और हर चीज का जो सोल्यूशन है, हर चीज अपनी जरूरत और अपने सपने किस चीज से पूरे हो सकते हैं, इनकम से, राइट। तुमने फॉरएवर में सेट करना है कि आज जिस मंथ और जिस ईयर में हम है, अगले साल सेम मंथ और ईयर जो चेंज होगा सेम मंथ में नेक्स्ट ईयर मेरी कितनी इनकम होनी चाहिए, मतलब हो गया 1 साल का गोल, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल, वो हमें राइट डाउन करना है एक चार्ट के ऊपर। दो चार्ट हमें लेने, एक चार्ट पे शॉर्ट टर्म गोल लिखना है 1 साल का, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है और उसको लगाना है वहां पे जहां पे आप सोते हो। आपने एक्शन लेना है, क्विक एक्शन लेना है अगर आप कामयाब होना चाहते हो। अगर आप बोलोगे 6 महीने बाद, मैं आपको बता दूं, आपको अगर फेलियर मिलते हैं ना लोग, तो आप उनसे बोलना अपने गोल्स दिखाओ, उनके गोल्स ही नहीं मिलेंगे, उनसे पूछो दिखाओ कहां राइट डाउन किया, कहते माइंड में सोचा था, माइंड में सोचा था ना इसीलिए तो हुआ नहीं, सोच के लिखना, लिखो उसको, लिखी हुई चीज याद रहती है, लिखी हुई चीज हमें टारगेट देती है, अलर्ट करते कि आपकी लाइफ में कोई मकसद है और हमें काम करने के लिए याद दिलाती है। तो उसको लिखना है, 1 साल का गोल एक चार्ट पे, 1 साल का गोल लिखना है और एक चार्ट पे 10 साल का गोल लिखना है, लॉन्ग टर्म गोल जिसे हम बोलेंगे। तो ठीक है, तो हम समझते हैं आगे।
फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट वी हैव इन फॉर एवर टू अचीव. हमारे पास क्या क्या चीज है फॉर एवर में अचीव करने के लिए? लेवल्स के साथ इनकम है. हम जितनी इनकम अर्न करना चाहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर एवर में लेवल को अचीव कर ले तो इनकम ऑटोमेटिकली हम अचीव करते हैं. फॉर एवर में इनकम पे इनकम आपका टारगेट होगा, मेरे को इतनी इनकम तक एक साल तक पहुंचना है. पर इनकम को अचीव करने के लिए फॉर एवर में लेवल्स है जिन्हें हिट करके आप ऑटोमेटिकली इनकम तक पहुंचोगे. कहने का मतलब ये है, आपने महाभारत महाभारत सभी ने सुना होगा. महाभारत में एक दृश्य था जब द्रौपदी का स्वयंवर था, उससे अर्जुन भी स्वयंवर में आया था और बोला गया था कि पानी में देख के मछली की आंख में तीर मारना या कुछ शीशे में देख के मछली की आंख में तीर मारना. आपको ये चीज आपने देखी होगी सुनी होगी. तो जो अर्जुन का फोकस था वो मछली की आंख पे था, बट एक्चुअल में बताऊं मछली की आंख पे फोकस नहीं था, उसका फोकस द्रौपदी पे था. उसे पता है मछली की आंख में अगर मैंने तीर मार दिया तो द्रौपदी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. तो वैसे ही फॉर एवर में भी आप लेवल्स की तरफ फोकस करना आपने. पर हमारा जो मेन मकसद है वो है अच्छी इनकम तक पहुंचना. अगर हम लेवल हिट करके इनकम ऑटोमेटिकली हिट कर देंगे तो फोकस इनकम पे नहीं, इनकम तो टारगेट बना लिया, इतनी इनकम होनी चाहिए. वो हमें मोटिवेट करता रहेगा, वो हमें जगाता रहेगा, वो हमें सुबह जल्दी जगाएगा, हमें सोने नहीं देगा और हमसे काम करवाएगा. क्योंकि हमारी लाइफ में अगर गोल होता है ना तो मैं तो बता दूं, जिन लोगों की लाइफ आंखों में सपने होते हैं ना उन्हें नींद नहीं आती, और जिन लोगों की आंखों में नींद होती है ना उनके कभी सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि सपने हमेशा जाग के पूरे होते हैं सो के नहीं. तो ये चीज हमेशा आप याद रखना. आपको गोल को राइट डाउन करना है, उसके बाद लेवल्स पे फोकस करना है. हम चेक करते हैं कि कितने लेवल्स पे कितनी इनकम है, उसके बाद खाली इनकम नहीं, इनकम के बाद हम इंसेंटिव्स भी है कि कौन से इंसेंटिव्स हमें कितने टाइम के अंदर अचीव करने. इंसेंटिव्स भी मैं आगे शेयर करूंगा, कार प्लान टूर्स वगैरह सब कुछ. तो हम चेक करते हैं फॉर एवर की पोटेंशियल कितनी है, इस प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल कितनी है, कितना कुछ हमें दे सकता है. अगर हम बात करें इनकम की तो देखो ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहां से लोग 700 करोड़ रुपया भी कमा चुके हैं टोटल. ये मिस्टर रॉल्फ कीप है, जिगर इनकी बात करें. मैंने आपको वो 50,000 वाली स्लाइड दिखाई थी ना, अभी मैं आपको नेक्स्ट एक 50,000 वाली स्लाइड दिखाऊंगा, एक बहुत अच्छी स्लाइड आपको दिखाऊंगा. अब मिस्टर रॉल्फ कीप की अगर बात करें, रॉल्फ कीप जर्मनी से, जिन्होंने फॉर एवर बिजनेस शुरू किया 95 के अंदर, और अपने बिजनेस को बिल्ड करते करते आज तक की अगर बात करें तो 700 करोड़ से ज्यादा ही कमा चुके. रॉल्स रॉयस ऐसी कोई दुनिया में कार नहीं, बुगाटी वगैरह सब कुछ इनके पास है, खुद के विलाज है अदर कंट्रीज के अंदर. उसके बाद आते हैं एंड्री पोली जो कि रोम से है, यूरोप के कंट्री है, रोम वहां से है, 245 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं फॉर एवर से. 215 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुके हैं मिस जेन ली जो कि यूके से है. यूके जैसी कंट्री जब फॉर एवर में अपना करियर लगा चुके तो सोच के देखो किस लेवल का ये प्लेटफॉर्म. उसके बाद हम बात करते हैं हंगरी के डिस्ट्रीब्यूटर है मिस्टर डायमंड मैनेजर मिकलोस, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने 2019 जुलाई के अंदर रोल्स रॉयस बाय करी. इनके लाइफस्टाइल के बारे में यूट्यूब पे भी हम सर्च करते हैं, मिकलोस लाइफस्टाइल आप सर्च करोगे आपको टॉप पे वीडियो आ जाएगी कि किस लेवल का ये लाइफस्टाइल यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं. 280 करोड़ से ज्यादा यहाँ से अर्न कर चुके हैं. उसके बाद अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में भी लोग करोड़ों रुपए के चेक अर्न कर चुके हैं. तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अपनी सोच को बढ़ा करें, यहाँ पे ये चीजें हो चुकी हैं जी, ये कोई बोलने वाली बात नहीं, ये चीजें हो चुकी हैं. और जो चीजें हो चुकी है ना उन्हें करना बहुत आसान होता है जी. तो ये चीजें सारी प्लेटफॉर्म की पावर. अगर आज हम बात करते हैं जो लास्ट हमने चेक देखा 3,84,00,000 का, इतनी इनकम ना एक इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता आज के टाइम, एक एवरेज पर्सन. अगर हम बात करते हैं, देखो आज हम पूरी जिंदगी में कमाते कितना कितना जोड़ पाते हैं, आज हम इस स्लाइड में वो चीज चेक करें. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको फोकस से आपने समझना है, सुनना नहीं है, समझना है. देखो एक एवरेज एज होती है काम करने की, वो होती है 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल. हम 40 साल पूरी जिंदगी के अंदर कमाते हैं. अगर हम एग्जाम्पल रखते हैं 50,000 रुपए महीना अगर हम कमा रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, पर 50,000 मैं बोल तो रहा हूँ पर आसान नहीं है आज के टाइम 50,000 रुपए कमाना. आपको पता है 50,000 कमाने के लिए 50,00,000 लोग, करोड़ लोग तक भी कंपटीशन में खड़े हैं 50,000 इनकम पर मंथ लेने के लिए. बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर हम ये चीज सोचते हैं मिडिल क्लास फैमिली में कि 30-40,000 रुपए की नौकरी लग जाएगी तो पता नहीं मैं कैसी लाइफ बना लूंगा अपनी, पर मैं आपको बताऊँ कुछ भी नहीं है इनकम. अगर हम 50,000 भी महीना कमा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी जिंदगी में हम कितना कमा पाते हैं या कितना जोड़ पाते हैं. पर हम इस चीज में समझते हैं 40 साल एक इंसान सेव कर रहा है 50,000. मैं कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं कमाने से चेंज हो चुका हूँ, सेव पे आ गया मैं. 50,000 पे महीना जो सेव कर रहा है ना तो वो एक साल का 6,00,000 सेव करता है और 40 साल का सिर्फ 2.5 करोड़ तक सेव करता है. 2,40,00,000 रुपया बनता है अगर 50 साल लगातार वो सेव कर रहा है. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 12 महीने होते एक साल में, 50,000 रुपए एक महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया 6,00,000, और एक साल का 6,00,000 हुआ तो 40 साल हमने काम किया था तो 40 साल का हुआ 2,40,00,000.
अब इसके अंदर हमें 40 साल बाद मैरिजेज भी आ गई, बच्चों की मैरिजेज आ गई, घर लेना है 40 साल बाद। अगर आज एक अच्छे सिटी के अंदर घर लेना है, चंडीगढ़ जैसी सिटी के अंदर घर लेना है, तो 5 से 6 करोड़ में कोठी स्टार्ट है। 15-15 करोड़ के भी घर है इंडिया, इधर चंडीगढ़ के अंदर। तो सोच के देखो, आज ये वो 5-6 करोड़ के, तो 40 साल बाद कितने के होंगे? क्लियर हो रहा है? आज जो जमीनें हम देख रहे हैं लाखों में, वो 40 साल बाद कितने की होगी? जमीन जमीन इतने की होनी है। मैरिज हाउस, फिर कार भी होगी, कार हमारा सपना था, कार भी होगी, फैमिली हॉलीडेज, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट, सब कुछ इसी के अंदर करना है 2 करोड़ 40 लाख में। ये भी जब बनेंगे, मैं आपको बता दूं, आज एक कार का नाम हम सुनते हैं फरारी, लैम्बोर्गिनी, 3 से 4 करोड़ से वो कार स्टार्ट है, और वो कार भी लोग चलाते हैं। बट कौन लोग चलाते हैं? जो 2 करोड़ 40 लाख रुपए जिंदगी में नहीं, जो महीनों के अंदर कमा लेते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इस लेवल में मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि अपनी माइंड की सोच को हम बदले, हम छोटी सोच को बदलें और माइंड सेट रखें कि हम पूरी जिंदगी में 2 करोड़ 40 लाख नहीं, हम 1 महीने में 2 करोड़ 40 लाख कमाएं। ऐसे प्लेटफॉर्म को सर्च करें, ऐसे प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप आ जाए हो, इस प्लेटफॉर्म पे लोग 6-6 करोड़ रुपए महीना भी अर्न कर रहे हैं। मिस्टर रॉल्फ किप का आप नाम गूगल पे लिखोगे, वो $9 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है, जो कि 6 करोड़ 75 लाख रुपए बनता है इंडियन करेंसी में। तो अगर 6 करोड़ कमाते हो, तो 2.5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये 2.5 करोड़ भी आप प्रैक्टिकल लेना कि 50,000 रुपए भी शायद हमारे बीच जो ट्रेनिंग अभी अटेंड कर रहे हैं, अभी जो पार्टनर, अभी आप जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, 50,000 रुपए भी शायद अभी हम कमा नहीं रहे होंगे पर मंथ, बचाना तो दूर की बात। क्लियर हो रहा है? और शायद एज भी हमारी 20 तक पहुंच चुकी हो, सकता है 20 अप भी हो। बट इमेजिन करो कि जो काम हम कर रहे हैं अभी, जो भी स्टडी एजुकेशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो पास आउट हुए, कितने लोग 50,000 रुपए तक पहुंचे? या फिर जॉब कर रहे हैं, 50,000 सैलरी कब तक पहुंचेगी? और ये भी जब जोड़ेंगे तब जाके ये हाल है, जोड़ेंगे नहीं तो कमा ही नहीं रहे, तो जोड़ेंगे कहां से? तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और हमें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा जहां से हम कुछ बड़ा कर पाए। होप सो आपको ये स्लाइड समझ आई होगी। अब हम चेक करते हैं कि फॉरएवर हमें क्या दे सकते, फॉरएवर हम किस लेवल की इनकम ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम चाहते हैं फॉरएवर में 1 लाख पर मंथ की इनकम अर्न करना, तो फॉरएवर में हम मैनेजर लेवल को हिट करके 1 लाख की इनकम अर्न कर सकते हैं। आपको टारगेट लिखना है कि नेक्स्ट ईयर सेम मंथ, जिस मंथ में आज आपने शुरू किया है अपना बिजनेस, अगले साल इसी मंथ में मेरी कितनी, अगर आप 1 लाख की इनकम चाहते हो अगले साल, तो आप टारगेट सेट करो कि मेरे को मैनेजर बनना है। मैनेजर राइट डाउन कर दो और कि मेरे को एक अगले साल इस मंथ तक मैनेजर होना है, अगर आप 1 लाख इनकम तक आने का, पर यहां तक नहीं है फॉरएवर। इसके आगे बहुत बड़ी लाइक लेवल की इनकम आप ले सकते हो, जिन्हें आप लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर लिख सकते हो, या आप शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर लिख सकते हो। अगला लेवल है सीनियर मैनेजर। अगर आप चाहते हो 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए महीना कमाना, तो आप फॉरएवर में सीनियर मैनेजर अचीव कर सकते हो। जहां आपको करना क्या होता है, 2 मैनेजर्स बिल्ड करने, 2 लोगों को मैनेजर बनाना है, क्योंकि 2 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, हाथ पकड़ने वाले, एक लात खींचने वाले। हमने देखना हमने किस कैटेगरी में आना, तो हाथ पकड़ने वाले लोगों में आना है, तो हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है। यहाँ पे अगर हम 2 लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं, उन्हें मैनेजर्स बना देते हैं, उन्हें कामयाब बना देते हैं, तो आज देखो हर किसी को एक अच्छी इनकम की जरूरत है। आप किसी को बिजनेस प्लेटफॉर्म शेयर करते हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, उसकी आप हेल्प करो फॉरएवर के अंदर, उसे मैनेजर बनाओ, आप उसे लाखों की इनकम तक पहुंचाओ, फॉरएवर आपको और ज्यादा आगे तक पहुंचा देंगे। 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पर मंथ तक, अगर आप सोच के देखो, आपके थ्रू कोई इंसान फॉरएवर में मैनेजर बनता है, 1 लाख रोज कमाता है, सीनियर मैनेजर बनता है, 2.5 लाख कमाता है, तो आपको ब्लेसिंग देगा या बद्दुआ देगा? तो फॉरएवर में हमें इनकम के साथ साथ अच्छी ब्लेसिंग भी मिलती है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम खुद तो सक्सेसफुल होते ही हैं, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की भी जिंदगी बदलते हैं। अगर हम चाहते हैं 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाना, तो हम सीनियर मैनेजर हिट करें। अगर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, सोरिंग मैनेजर, हम 5 मैनेजर्स बिल्ड कर देते हैं डायरेक्ट में, 3.5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए महीने तक। अगर हम चाहते हैं 3.5 लाख से 7 लाख रुपए महीना कमाना, हम सोरिंग मैनेजर को टारगेट रखे, लिख लो 2 साल बाद इस लेवल पे मैं होऊंगा, 3 साल बाद इस लेवल पे होऊंगा, सेट कर सकते हो। सफायर मैनेजर, 9 मैनेजर्स, जब 9 मैनेजर्स बनाते हो, 9 लाख से लेके 20 लाख पर मंथ तक आपकी इनकम पहुंच जाती है। उसके बाद है डायमंड सफायर, 17 मैनेजर्स जब आप बिल्ड कर देते हो, एंड 20 लाख, जो आपके थ्रू 17 मैनेजर्स कामयाब हुए हैं, 17 लोगों को आपने जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया। देखो आप किसी से ही पूछो, अच्छी इनकम कमाना चाहते हो, हर एक इंसान अच्छी इनकम कमाना चाहते, कोई लाखों रुपया नहीं कमा रहा, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है उन्हें देने के लिए, तो आप उन्हें देके उनकी लाइफ चेंज कर सकते हो। 20 लाख से लेके 35 लाख रुपए पर मंथ तक डायमंड सफायर पे आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद आता है डायमंड मैनेजर, जहां 25 मैनेजर्स क्रिएट करते हो, 35 लाख से 1 करोड़ पर मंथ। डबल डायमंड मैनेजर, 50 मैनेजर इनडायरेक्ट, जो 50 लोगों की आप जिंदगी को चेंज कर देते हो। इसमें टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है, ना ही इतना मुश्किल है, मतलब कहने का मतलब है टाइम लगेगा, बहुत इजी तो बहुत है, बस अगर हम अच्छे तरीके सीरियस होके मेहनत करते हैं। 60 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ पर मंथ तक
अगर हम चाहते हैं इनकम अर्न करना तो हम आगे और लोगों की जिंदगियों को चेंज करें, डबल डायमंड मैनेजर हिट करें लेवल। अगर हम ट्रिपल डायमंड, उसके अगला लेवल है ट्रिपल डायमंड मैनेजर, 75 मैनेजर हम बिल्ड कर देते हैं तो 1 करोड़ से लेके 6 करोड़ पर मंथ तक। उसके बाद आता है सेंचुरियन मैनेजर, जब 100+ मैनेजर हम बिल्ड कर देते हैं तो 8 करोड़ से लेके 15 करोड़ पर मंथ तक हम इनकम अर्न करना शुरू कर देते हैं। आप देख सोच के देखे क्या बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस लेवल की इनकम तक पहुंचाते हैं। बाहर भी हम मेहनत करते हैं, बाहर हम उल्टा, मैं आपको बताऊं, हम मेहनत करते हैं नौकरी के अंदर, बट हमारी जिंदगी जो जीता है वो बॉस जीता है। सरकारी नौकरी कर रहे तो मंत्री जी रहे हैं, वो घूम रहे रेंज रोवर में, BMWs में, हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह निकलते हैं बाइक खिला के कि ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, हमारी जिंदगी इसी में निकल जाती है, टिफिन पैक करो खाली करके ले आओ। तो आपको बताऊं पोटेंशियल हमारे अंदर बहुत होते हैं, हम लाखों करोड़ों का काम मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को जॉब के अंदर करके देते हैं, वही काम हम अपने लिए करें फॉर एवर के अंदर, बिजनेस करके, ओनर बन के, मालिक बन के। सो ये आप अपना गोल सेट करें। अब हम समझते हैं आगे। अब देखो सेट योर 1 ईयर गोल, अपने 1 साल का गोल सेट करो और 10 साल का गोल सेट करो। 1 साल का गोल सेट करो कि आपको 1 साल बाद किस लेवल पे होना है और कितनी इनकम पे होना है, ये आपको राइट डाउन करना है चार्ट पे, और वो चार्ट की पिक खींच के आपको उनको सेंड करना है आज ही। अगर पिक सेंड करोगे, अगर आपकी कल तक पिक आ जाती है, इस मीटिंग को लगाया आपने आज, कल तक ये लिंक जिन्होंने आपको सेंड किया आज, कल तक अगर आप उन्हें राइट डाउन करके अच्छे तरीके से पिक भेज दे तो तभी जाके आपको आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज आपको आगे आगे की ट्रेनिंग्स आपको नहीं प्रोवाइड होगी। इन गोल्स को कैसे अचीव करना वो चीजें आपको नहीं बताई जाएगी, उन्हीं को बताइए जो सीरियस है, इसलिए आपको ये लिंक भेजा गया। आपको ये लिंक में प्रॉपर ट्रेनिंग्स लेके इसको अटेंड करके अपना जल्दी से एक्शन लेना, गोल सेट करना है, राइट डाउन करना है। 1 साल का गोल सेट किया एक चार्ट के ऊपर, दूसरे चार्ट के ऊपर अपना 10 साल का गोल सेट किया कि 10 साल बाद मैं कौन से लेवल पे होऊंगा और कितनी इनकम मैं कमाना चाहता हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, जो भी आपकी सोच है, जितनी भी आप इनकम अर्न करना चाहते हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ये दोनों गोल्स आपने अलग अलग चार्ट पे, एक 1 साल का चार्ट, एक 10 साल का चार्ट, और वो गोल की फोटो खींच के अच्छे तरीके दीवार पे आपने लगाना है। हो सकता है आपका मजाक भी उड़ाए घर वाले, बट मैं आपको बता दूं जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे ना लोग तो हंसेंगे। जब किसी ने बोला था कि मैं चांद पे पहुंचूंगा तो लोगों ने उसका मजाक ही उड़ाया था, ठीक है। एक इंसान ने बोला मैं एक प्लेन जैसी चीज बना दूंगा, लोगों को हवा में उड़ा दूंगा, लोगों ने मजाक उड़ाया था। एक इंसान ने बोला कंच से रोशनी कर दूंगा, लोगों ने मजाक उड़ाया था। जो लोगों पे देखो, जब आपके सपने आम लोगों से बड़े हो जाते हैं ना तो आम लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है वो घर वाले भी। क्लियर हो रहा है? बट आपने वो चीज करनी है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको एक करनी है। अगर नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं आप सक्सेस की तरफ खुद अपने आप को लेट कर रहे हो। जब तक ये चीज करोगे ही नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। आपको 10वीं सीढ़ी पे पहुंचना है, पहली नहीं चढ़ोगे 10वीं पे कैसे पहुंचोगे आप? क्लियर हो रहा है? तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। तो ये चीज फर्स्ट स्टेप है आपका सक्सेसफुल होने के लिए फॉरएवर में। तो गोल सेट करना है 1 साल का और 10 साल का। उसके बाद खाली यहां तक नहीं है, उसके बाद इंसेंटिव भी है, कार प्लान, जिसमें लेवल 1 के अंदर आप चाहते हो कि हमारी ड्रीम होता है कि एक अच्छी कार हो हमारे पास, हम फॉरएवर से अच्छी कार अचीव कर सकते हैं। कार प्लान लेवल 1 में हमें 26,000 रुपए अचीव मिलते हैं पर मंथ, हमें मिलता है 36 मंथ तक हमें मिलता है। लेवल 2 के अंदर 39,000, लेवल 3 के अंदर 52,000 लग से मिल रहे हैं हमें, जिससे हम अपनी कार को मेंटेन कर सकते हैं, कार ले सकते हैं अपनी खुद की। तो मैं आपको बताऊं चाहे हम घर लें, मर्जी हमारी है, ये हमें पैसा मिलता रहेगा मंथली इनकम का। इनको कैसे क्वालिफाई करना है वो आपको पर्सनली ट्रेनिंग में बताया जाता है, जिन लोगों की आईडी एक्टिवेट हो जाती है, जिन लोगों की आईडी एक्टिवेट करवा लेते हैं, जो पाना आपको बताया होगा आपके अपलाइन से आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है। आपकी रजिस्ट्रेशन जो होती है 1200 के अंदर, वो आईडी एक्टिवेट होने के बाद अभी जो स्टार्टिंग में 2 ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं कि ट्रेनिंग बाकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको मिलते हैं, मतलब 2 ट्रेनिंग्स आपके लिए नॉर्मल होती है, जो बेसिक स्टेप्स हैं 2 से 3 वो आपको मिल गई होंगी। इसके बाद अपनी जब अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेते हो उसके बाद जाके आपको एक हाई लेवल की ट्रेनिंग्स मिलनी स्टार्ट होती है, आपका बिजनेस ग्रुप में नंबर ऐड होना स्टार्ट होता है और आपको बताया जाता है इन लेवल्स को अचीव कैसे करना है। आपको आज गोल सेट करना है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का। हमें डिसाइड करना है 1 साल बाद मैं लेवल 1 को क्वालिफाई कर चुका हूँ या 2 को कर चुका हूँ या 3 को कर चुका हूँ, हमें अपने अकॉर्डिंग इस चीज को सेट करना है साथ में इनकम के साथ। उसके बाद मिलीनियर क्लब होता है कि हमारा जब हमारी इनकम 10 लाख क्रॉस कर जाती है ईयरली तो हमारा मिलीनियर क्लब में नाम आता है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 800 करोड़ पॉपुलेशन है जिसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ नियर बाय 1.5 करोड़ समथिंग जो है 1.8 करोड़ जो है मिलीनियर है, नियर बाय 0.17% आता है पूरे वर्ल्ड की रेशो के हिसाब से। मतलब आप सोच के देखो फॉरएवर आपको 1 से 2 साल अगर आप मेहनत करते हो मिलीनियर बना देती है, आपको 0.17% की रेशो मिल जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी इंडिया में 3,000 से ज्यादा मिलीनियर ऑलरेडी बन चुके हैं।
अब देखो टूर्स, हमारा ड्रीम होता है इंटरनेशनल घूमने का, नेशनल घूमने का, फॉर एयर में मैनेजर रिट्रीट देती है, टूर का भी सेट कर सकते हो कि मैं फर्स्ट टूर ये लूंगा, मैं फर्स्ट टूर इस वो भी आप चार्ट के अंदर ही लिख सकते हो, वो उस अपने शॉर्ट टर्म गोल के अंदर कि फर्स्ट टूर मैं इस जगह जाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल टूर हो गया, ग्लोबल रैली और इंटरनेशनल टूर हमें फॉर एवर देती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट, आप उसके ऊपर लिख सकते हो कि फर्स्ट कंट्री मैं फॉर एवर से ये विजिट करना चाहता हूँ। जो भी आप टूर होते हैं उनको टारगेट बना सकते हो, इंसेंटिव्स में वो चीज आती है, सेट योर गोल व्हेन यू वांट दिस टूर विद डेट। सो आज आपने वो दो चार्ट बनाने जिसके ऊपर अच्छी इनकम और अपना लेवल लिखना है, एक साल के अंदर आप क्या कहाँ पहुंचना चाहते हो, साथ में आप कार प्लान भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एंड सेकंड 10 ईयर का गोल कि 10 ईयर बाद मैं किस लेवल पे होऊंगा, कितनी इनकम पे होऊंगा और क्या कुछ अचीव कर चुका हूँ। अच्छे तरीके से आपने वो चीज राइट डाउन करा, इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन, अभी आपको एक्शन लेना है, और बिकॉज ओनली एक्शंस कैन हैव रिजल्ट। देखो एक्शंस ही, हम जो इंसान कर्म ही नहीं कर रहा उसे फल नहीं मिल सकता, जो कुछ कर ही नहीं रहा उसे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो देखो एक्शन लो, हमें अभी एक्शन लेना, इंस्टेंट एक्शन लेना, एंड वी हैव लिमिटेड टाइम, क्योंकि हमें हमारे पास जिंदगी का बहुत लिमिटेड टाइम है, जितना गुजर चुका है ये तो मुड़ के आएगा नहीं, बट आगे वाला हम सेव कर सकते हैं। अगर हम वही करते रहेंगे जो करते आ रहे थे तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था। अगर अपने आने वाले टाइम में लाइफ को चेंज करना चाहते तो हमें अपने कर्मों को भी चेंज करना पड़ेगा। देखो बहुत सारे लाइफ का टाइम निकल चुका है, हमारे पास कितना है हमें नहीं पता, तो अपने फ्यूचर जो है, आने वाला जो कल है वो आज पे डिपेंड करता है। हम अपने गुजरे हुए कल को सही नहीं कर सकते, आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमने अपना गोल सेट करना है, और गोल सेट करके जैसे आपने सेशन को ओवर किया, मीटिंग आपकी हो चुकी है, पूरी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, अब अच्छे तरीके से बैठ के गोल बनाओ, अच्छे तरीके से बैठ के गोल बनाओ, और गोल की पिक खींच के अपने अपलाइन को, जिन्होंने आपको मीटिंग लिंक भेजा है उनको सेंड करो, सेंड करो अगर आप सच में पूरा करना चाहते हो, एंड वो आपकी हेल्प करेंगे इसको पूरा करवाने में। एंड बी थैंकफुल उस इंसान का शुक्रिया करो, एंड गॉड का शुक्रिया करो जिन्होंने आपको इंसान की जिंदगी दी है, एक ह्यूमन बनाया है, और ऊपर वाले का शुक्रिया करो जिन्होंने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, आपकी जिंदगी में एक अच्छा प्लेटफॉर्म भेजे, और एक ऐसा इंसान भेजे जो आपके हाथ को पकड़ेगा और आपको ग्रो करेगा, आपको सिखाने के लिए मेंटोर दिए, ठीक है? क्योंकि गुरु बिना गति नहीं होती, याद रखना, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो किसी ना किसी की वजह से हो, किसी की गाइडेंस से हुए, गुरु की गाइडेंस से ले, अपने अपलाइन की गाइडेंस से हुए, जितने भी कामयाब लोग हैं वो किसी ना किसी से सीखते हैं, कामयाब लोगों से वो सीखते हैं। तो आपको फॉरएवर में अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया और अच्छे गुरु भी मिले हैं जो आपको कामयाब करने में हेल्प करेंगे। थैंकफुल हो गॉड के, कि ऊपर वाले का शुक्रिया करो आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, एंड अभी इंस्टेंट एक्शन लो, एंड इंस्टेंट एक्शन लेके आप पिक सेंड करो कि आप इससे चीज से पता लगे कि हाँ आप सच में सीरियस हो, एंड देन जाके हम आपको आगे के लिए हेल्प करेंगे ग्रो होने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट एंड मेक योर फ्यूचर वंडरफुल।